नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान ओपिनियन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषादी हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहिए कि एक सबसे बड़ी एक राजनीतिक यात्रा और जिसका सामाजिक एक उद्देश्य था, गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था। आप लोगों ने लगभग एक महीने के समय में अपने लोकसभा क्षेत्र के लगभग हर गाँव का आपने दौरा किया, क्या एक्सपीरियंस आपने अर्जित किया? प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि हर सांसद गांधी जी के 150 वर्ष में जन्म दिया, 150 के जन्म दिवस में आपको कम से कम 150 की यात्रा कीजिए और पद यात्रा कीजिए, और एक दिन में मिनिमम 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और मैक्सिमम 15 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों को करनी, और मैक्सिमम जो लिमिट किया गया था वो 150 किलोमीटर का। तो हम लोग अपना ग्रुप ना बना के मैंने, क्योंकि मेरा 6 विधानसभा था, तो मैंने टारगेट किया कि सबसे प्रथम में हर प्रखंड में 15 किलोमीटर चले, लगभग 9 प्रखंड था और एक सारे क्षेत्र में 10 दिन का हम लोग टारगेट रखे। 10 दिन के बजाय हम लोग बढ़ते रहती और जितना किलोमीटर तय था उससे ज़्यादा ही। जो गाँव में जो संदेश देना था, एक तो स्वच्छता का देना था और दूसरा जो सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस किए थे वो था सिंगल यूज प्लास्टिक। गांव में हम लोग अवेयरनेस जगाए कि ये प्लास्टिक जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खेत में अगर चला जाता है तो जल्दी जो 300-400 साल तक जो है जमीन को ख़राब करता है, फसल ठीक से नहीं होती है, तो लोग ने इस बात को बड़ी गंभीरता से समझा। और सबसे ज़्यादा ये इस बात की खुशी थी ग्रामीण क्षेत्रों में, एक सांसद होकर हम लोग पद यात्रा कर रहे थे, वो भी गांव की गली में कुची में हर जगह, तो उनमें लोग में भी उत्साह था, बहुत जगह स्वागत भी किए, चाय भी पिलाए, आने का उद्देश्य भी पूछे, छोटा छोटा बैठक भी हम लोग करते रहे, जहां शुरुआत होता वहां भाषण दे के शुरू किए, जहां ख़त्म किए वहां लास्ट में भोजन का भी व्यवस्था लोग खुद करते थे, हम लोग का उसमें कोई आर्थिक खर्च नहीं हुआ क्योंकि लोग उत्साह हो जाते। हमने कई जगह देखा, औराई प्रखंड में आप गए जी, तो बच्चों में एक विशेष उत्साह था। जी जी हाँ, एक जगह हम यात्रा में जा रहे थे तो स्कूल के बच्चे ने रोका हमको और स्कूल की समस्या को बताया कि हम भगवान और बाउंड्री वॉल का डिमांड किया, हम बोले कि नहीं हम उसको करेंगे, तो बच्चे भी लोग उत्साहित थे। और जहाँ चूँकि सब्जेक्ट ही ऐसा था और हम लोग भी कोई पार्टी पे ये लाइन पे काम नहीं था, सब लोग से मिलते थे, सब लोग अपनी बात को समझाते थे और एक अच्छा सा कहीं कहीं कार्यकर्ताओं ने उत्साह में एक रथ भी बनवाया था, तो आगे आगे रथ चलता था, भक्ति गाना बजता था उसमें देशभक्ति का गाना, तो उसमें भी और अच्छा लगता था, लोग सुनते थे और बहुत ज़्यादा साहित्य के भी चले कम से कम बिना। एक तो जो अभी हम लोग जस्ट चुनाव जीत के आए हैं और उसके बाद ग्रामीण प्रदेश में पद यात्रा, जहाँ चुनाव दूर तक नहीं है, सांसद का चुनाव तो 5 साल बाद ही होना है, विधानसभा का चुनाव का भी 1.25 साल बाकी था, तो उस परिवेश में घूमने का लोग में अलग सा एक पॉजिटिव संकेत था कि नहीं चलिए पार्टी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, हिंदुस्तान के लिए से बातचीत करने का।